तो मेहरा जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। ये देखिए कितना घना जंगल है, मुझे तो डर लग रही है और मैं उन्हें आवाज़ भी दे चुकी हूँ 2-3 बार। मेहरा जी वो देखो उनकी आवाज़ सुनाई दे। What's up यारो, welcome to our YouTube channel YJ Vlogs। आज हम हैं डी डी हाट में और आज हम जा रहे हैं यहाँ से चिराकोट मंदिर, जो यहाँ बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ज़्यादा नहीं, 4-5 किलोमीटर है डी डी हाट से। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, शिव जी भगवान का मंदिर है और मंडी भी है। तो आप लोग को हम ले चलते हैं चिराकोट मंदिर, तो चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, YJ Vlogs। तो फ्रेंड्स, ये हम पहुँच चुके हैं डी डी हाट मार्केट। देखिए यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि रोड बहुत कंजेस्टेड है। आज हम आपको लेके जाने वाले हैं चिराकोट मंदिर और उसके बाद हमारा जो सफ़र है वो रहेगा पिथौरागढ़, मिनी कश्मीर जिसे कहते हैं। वो हम बाइक से यहाँ से जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है व्लॉग में। यहाँ में एक मिठाई फेमस है, केचुआ। केचुआ, और ये रास्ता देखिए कैसा है, पूरी ऑफ रोड है। पता है पिछली बार मेरा फ़ोन गिर गया था, इसलिए मैं फ़ोन नहीं लाई इस बार। बस मेरा जी मुझे मत गिरा रही हो। महेश्वर कुंड गए थे हम मुंजारी में, हमारा लास्ट ब्लॉग देखिएगा आप, तो वो पूरा जंगल का एरिया था। और मेहरा जी ने कहा चलो चलो महेश्वर कुंड जा रहे हैं सुबह 8 बजे लगे, पूरा जंगल, मेरी तो डर के मारे हाल खराब। मैंने कहा अरे बाघ आ गया, तो कोई भी नहीं था पता है वहाँ पर, हम ही दो थे बस। और मैंने इनसे बोला वापस चलते हैं, इन्हें कहा नहीं कुछ नहीं होगा करके ले गए। आज यहाँ मुझे ऐसे देखो कैसे लेके आएंगे, ये मेरे लिए रोज एडवेंचर बनाते रहते हैं। अब हम पहुँचने वाले हैं मंदिर, वो है मंदिर, वो सीढ़ियाँ दिखने लगी। ये देखिए हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल गेट पर, जय मल्लेनाथ स्वामी। यहाँ पर शॉप भी हैं 2-3, अगर आपको कुछ चढ़ाने के लिए लेना है या खाना पीने का कुछ है तो वो भी यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। तो ये हमने चढ़ाई शुरू कर दी है मंदिर की। अभी हमें बताया पंडित जी ने 647 सीढ़ियाँ हैं, मैं तो 500 लगा के बैठी थी, तो 147 और बढ़ गई। वो मेहरा जी आ गए फ़ोन पे बात करते हुए, तो कैमरे की ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझे दे दी है। बट सीढ़ियाँ ऐसी मतलब टफ सीढ़ी नहीं है, बहुत दूर दूर पे बहुत स्पेस है इसमें, तो ज़्यादा खड़ी वाली सीढ़ियाँ नहीं है। ये पहला गेट आ गया है, हम पहुँच चुके हैं फर्स्ट गेट पे। ये भोले बाबा का मंदिर, बस अब चढ़ते हैं ऊपर को। सीढ़ियाँ हो चुकी हैं यहाँ तक, इस तरह से बहुत अच्छा बना रखा है यहाँ पर, मतलब 20-25 लोग आराम से बैठ सकते हैं। लिखा हुआ है मंदिर परिसर में सफाई का विशेष ध्यान दें। ये बात थी मुझे बहुत गंदी लगती है यहाँ पर लोगों की, कि ये देखिए इस तरह से कचरा इन्होंने फेंक रखा है। अरे मंदिर परिसर में आ रहे हैं आप लोग तो इस तरह से कचरा वचरा नहीं करना चाहिए। तो ये चिराकोट मंदिर का इतिहास, ये मंदिर चंद राजा ने 14वीं सदी के बाद बहादुर चंद ने राजकोट में स्थापित किया, उसी समय मल्लेनाथ प्रकट हुए। उस समय यहाँ जनसंख्या ना के बराबर थी, चंद राजा ने यहाँ की जनता को बसाया और मंदिर के लिए पुजारी पानू जी को नियुक्त किया गया। यहाँ हर साल असोज की नवरात्रि चतुर्दशी को मेला लगता है और इस मंदिर में पुजारी जी हर रोज भोग लगाते हैं और इसकी दूरी डीडीहाट से 8 किलोमीटर है। और जैसे रात के लिए यहाँ पे बीच बीच में लाइटें भी लगा रखी हैं, हर जगह तो नहीं हो सकता लेकिन है, वहाँ पे ऊपर लाइट लगी है, एक यहाँ लाइट लगी हुई है और ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है।
वो नीचे से सीढ़ियाँ आ रही हैं और ऐसे आते हुए, पहले ये रास्ता था जो कि पुराना रास्ता था और ये नया रास्ता है सीढ़ियों वाला। वैसे तो इसी रास्ते को बने हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो ये तो पता नहीं कब का रास्ता होगा पुराना वाला। और मंदिर का एक और प्रवेश द्वार दिख गया है, यहाँ पे भैरव देवता का मंदिर है। जय भैरव देवता की जय हो। ये काली माँ का मंदिर है। ये भैरव देवता का मंदिर, वो है माँ कालिका का मंदिर। और ये ऊपर से ऐसा कुछ नज़ारा, वो वहाँ पे है डीडी हाट। धुंध हो रही है अभी हल्की हल्की। तो फ्रेंड्स, हमारा 500 वाला टारगेट पूरा हो चुका है। मैं अभी खड़ी हूँ 500 सीढ़ी पे। 500 सीढ़ी आ चुके हैं हम। बहुत मज़ा आया, पता भी नहीं चला कैसे आ गए। ये सब मल्लनाथ की कृपा है। जो डीडी हाट के पास और आप घूम सकते हैं, तो इसमें हम चकौड़ी, पिथौरागढ़ किला, मुंशारी, तीन जगह पे हम ब्लॉग बना चुके हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। पानी का नौला कुआं, आज तक मैं यहाँ गया नहीं हूँ। चलो ऊपर चल के पूछते हैं पंडित जी से कि ये है कहाँ, और आज हम ये पानी का कुआं भी देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। चलते हैं फिर ऊपर को। तो बस अब हम पहुँच चुके हैं मल्लनाथ स्वामी के मंदिर। ये पत्थर है, इसको उठाया जाता है यहाँ से दोनों तरफ से पकड़ के। फिर कोई उठा नहीं पाता है, मेरा जी नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उठाते हैं। मैंने भी उठाया है। तो यह है मंदिर। जय हो। यह है मुख्य मंदिर। जय हो भगवान जी। तो जो मुख्य मंदिर है इसके अंदर औरतें नहीं आती हैं। और यहाँ से वो दिख रही है पूरी हिमालय रेंज, ये पंचाचुली। और मंदिर की एक परिक्रमा कर ली जाए। और ये मंदिर का बैक पोर्शन है, ये पूरी चट्टान है जिसके ऊपर मंदिर को बनाया गया है। तो अभी पंडित जी आए, उन्होंने हमें चाय भी दे दी पीने के लिए। महाराज जी तो पीते नहीं है, तो मैंने कहा यार मंदिर में चाय मिल रही है तो पी लेना चाहिए, प्रसाद ही हुआ एक तरह से ये। ये हम हैं मल्लनाथ स्वामी सिराकोट मंदिर में, और ये यहाँ पे बाबा जी हैं। तो बाबा जी आप पूरे वर्ष यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ, और यहाँ की काफी मान्यता है मल्लनाथ स्वामी जी की। यहाँ इष्ट देवताओं को 12 मास भोग लगता है, और ये शिव के अवतार माने जाते हैं मल्लनाथ स्वामी जो है। यहाँ कुआं भी है ना? हाँ यहाँ कुआं भी है, उसे गुप्त गंगा कहते हैं। अच्छा। हाँ, वो छोटा सा कुंड है। तो ये अभी हम देख सकते हैं वो कुआं? आपको थोड़ा जाना पड़ेगा नीचे। कितना नीचे होगा? मैं ले चलता हूँ आपको। चलिए, तो अब हम जा रहे हैं गुप्त गंगा। तो अब हम कुआं देखने जा रहे हैं, और रास्ता देखो कितना प्यारा है। बाबा जी तो दौड़ने में लगे हैं, उनको आदत है। आराम आराम से आना, सबसे तेज है मिसेस तिम्मो, जीभ निकाल निकाल के आ रही है। तो ये रास्ता देखिए, ये ऐसे घूमते हुए वो कहीं नीचे गया हुआ है। अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तिम्मू से मैंने बोल दिया है कि वो वहीं रहे, वो तो दिख भी नहीं रही, बहुत ऊपर है वो। बाबा जी बोल रहे हैं अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। तो मैं और बाबा जी जाके दर्शन कर लेते हैं। रास्ता देखो कैसा हो रहा है। अरे बहुत ही खतरनाक है भैया रास्ता, आराम से इसके नीचे से जाना पड़ रहा है।
तो बस अब हम पहुंच चुके हैं गुप्त गंगा पे। अगर यहाँ अशुद्धि में जाएंगे तो इसके अंदर सांप के दर्शन हो जाते हैं। ये अंदर को जो गए हैं गड्ढे के अंदर जाने के बाद वो उधर को जो गए गुफा गुफा का रास्ता है। अच्छा। और वहाँ से जो है इतना बड़ा तहखाना है इसके नीचे, ये देखिए देखो ना बाबा जी फुल एडवेंचर करा रहे हैं आज मेरा। तो यहाँ से बिल्कुल अंदर ही अंदर आप कालिका मंदिर पे जा सकते हैं। नेचुरल बना है और पर बंद हो चुका है। ओके। अगर इसमें हम खुदाई करते हैं इसमें पानी आता है, इसके अंदर 50-60 आदमी आराम से बैठ जाएगा, छोटी नहीं है काफ़ी लंबी है। और यहाँ पे है नीचे गुप्त गंगा और इस रास्ते से हम आए हैं, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर नीचे होगा। अब हम चलते हैं वापस। आइए देखो वापस जाने के लिए रास्ता देखो आप। तो यहाँ पे देखिए ये पाइप दे रखा है ऊपर ताकि ये यहाँ से पानी ऊपर लिया जा सके, लेकिन बाबा जी बता रहे हैं कि यहाँ पे रानी की शक्ति है कि यहाँ पे कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इस वजह से आप कितनी भी बड़ी मोटर लगाएं यहाँ पे या कुछ भी करें किसी न किसी कारण वो ख़राब हो जाती है। अभी बाबा जी बता रहे थे कि ऊपर से वज्रपात हुआ था, वो जो टिन मैंने टूटी हुई दिखाई थी वो पूरा टिन इन सब टूट गई। तो शक्तियाँ हैं हर जगह, भगवान है। अब हम चलते हैं यहाँ से ऊपर, देखिए कितना प्यारा है यहाँ का व्यू। चलो ऊपर को, चलो ऊपर को, ऊपर को आ रहे हैं हम। तो मेरा जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। ये देखिए कितना घना जंगल है, मुझे तो डर लग रही है और मैं उन्हें आवाज़ भी दे चुकी हूँ 2-3 बार। मेरा जी वो देखो उनकी आवाज़ सुनाई दी, थैंक गॉड। और मैं 2-3 किलोमीटर से अकेला आने में लगी हूँ इस पूरे घने जंगल में। गुप्त गंगा एक यहाँ पर जगह है सिराकोट से नीचे, कहते हैं वहाँ रानी नहाने आती थी अपने दोस्तों के साथ। तो महाराज जी ने कहा चलो बाबा जी उनको नीचे लेके आ गए हैं। ये एडवेंचर और ब्लॉगिंग के चक्कर में तो पता नहीं कहाँ कहाँ भग जाते हैं। तो फाइनली महाराज जी और मैं मिल गए, बड़ी मुश्किल से मैं पहुँच गई नीचे। लेकिन नीचे जाने के बाद जो देखा वो सच में बहुत अच्छा था। इतना जो 2-2.5 किलोमीटर में नीचे गई, शुरू शुरू में लग रहा था बहुत ज़्यादा है, कैसा जाएंगे क्यों जा रहे होंगे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो सच में मन को बहुत आनंद मिला। मैंने और बाबा जी ने दर्शन कर लिए थे तब तक ये वहाँ पहुँची नहीं, मुझे लगा शायद इसको दर्शन भी नहीं होंगे। हम वहाँ से मतलब 50 मीटर भी ऊपर नहीं आए थे कि ये दिख गई। मैंने कहा चलो जाओ जाके तुम भी दर्शन करो, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अब बाबा जी ने बताया तब तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा कि जिसके अच्छे पुण्य होते हैं वही पहुँचता है। तो भगवान हमारे अच्छे पुण्य थे जो आपने हमें बुलाया। हाँ अभी हम गए गौरी गंगा में, मुझे लगता है कि कोई भी नहीं आता होगा, देहात के लोग हैं वो भी आधे से ज़्यादा तो गए नहीं होंगे। हाँ आज हमने आप लोगों को मल्लेनाथ स्वामी सिराकोट के दर्शन कराए और साथ साथ गौरी गंगा के भी, गौरी गंगा जो हम आने वाले नहीं थे लेकिन पहुंच गए, भगवान का बुलावा होगा तो वहां भी चले गए। वो बाबा जी बोल रहे थे जो जिनने पुनर्जन्म में कुछ अच्छे काम किए होते हैं वही यहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि हर कोई मंदिर में जाके मंदिर से तो, मंदिर के बाद घर को वापस हो तो जाता है। मेरे पुनर्कर्मों की वजह से पहुंच गए हाँ, क्योंकि मेरे तो अच्छे काम होंगे नहीं। तो आप लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल YJ Blogs यू और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। टन टन बाय।